फागुन महीने में हरियाणा के पानीपत से चुलकाना धाम के लिए श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा निकाली जा रही है। सुबह सुबह 3 बजे से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें कई गाड़ियों में डीजे भी लगाकर खाटू श्याम का गुणगान करते हुए श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए कई घंटों में चुलकाना धाम पहुँच रहे हैं। पूरे रास्ते जगह जगह सैकड़ों जगह खाने और पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें श्याम भक्तों की सेवा और मंदिर परिसर में 56 भोग का प्रसाद भी भक्तों को दिया जा रहा है। श्याम भक्त पैदल ही चुलकाना धाम पर करीब 25 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की वापसी के लिए वाहनों और ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह का ये नज़ारा है जब पूरा पानीपत भक्ति में हो गया। हर तरफ खाटू श्याम जी के जयकारे ही लगते नजर आए। सभी के हाथों में खाटू श्याम जी के झंडे हैं और आगे पैदल ही बढ़ रहे हैं। भक्ति गानों पर झूमते हुए भक्त आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सुबह सुबह ही पहुंच गए। एक बार सुनते हैं आयोजकों की कि उन्होंने क्या कुछ बताया। ये बाबा की कृपा है, बाबा का आदेश है। जिस जिस भक्तों को कृपा करनी बाबा ने सबको बुला लिया आज, और इतनी भव्य यात्रा हमने सोची नहीं थी। हमने तो कहा था बाबा को आशीर्वाद देने के लिए, बाबा ने तो भक्तों को गले लगा लिया। जय श्री श्याम। मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं समझता, मैं 30-35 हज़ार से कम भगत होंगे। हमें आइडिया था 25 हज़ार, लेकिन यहाँ शायद 35 हज़ार से ऊपर सब भगत हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी सब भक्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी मस्ती में जाएं, झूमते जाएं, अपना ध्वज बाबा के चरणों में चढ़ाएं, 56 भोग का प्रसाद लें, तुलसी का प्रसाद लें। जय श्री श्याम। भक्तों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज इस यात्रा में जो हम जुड़े हैं, बाबा जी का इतना ध्वजा आयोजन हो रहा है, इतनी लोग संख्या में यहाँ पे खाटू श्याम जा रहे हैं, हर साल की तरह बाबा के प्रेमी इतने मनोरंजन से, भाव से और नाचते गाते जाते हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मात्रा में भीड़ है कि लोग को पता ही नहीं कि वो कितनी दूर जा रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाता है, लेकिन बाबा का प्रेम ऐसा है, बाबा की तरफ खींचता चला जाता है। ये खाटू श्याम का इतना बड़ा आयोजन है जिसमें छोटे बड़े सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम है, बस ये है कि भाई सबके पैरों में सबके दर्द हो रहा है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा ये मानना है कि भाई ये एक आस्था है, जो मानते हैं ठीक है। आज मैं जैसे आई हूँ वो श्याम बाबा ही मुझे लेके आए हैं। मेरा पहले आने का कोई आइडिया नहीं था, 99% मैं नहीं आ रही थी, पर यहाँ तक जैसे आई हूँ ना, श्याम बाबा मुझे लेके आए, मुझे नहीं पता कि कैसे आई हूँ मैं यहाँ पर आके, कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। बाबा को अपने आप पता है कि हमें क्या चाहिए और वो हमें देते हैं। आज तक उन्होंने ही इस दुनिया को चलाया है, हमें भी वही चला रहे हैं। श्रद्धा को लेकर ऐसा है भाई, सुबह 4 बजे चले थे हम पानीपत से, और पानीपत गुहाना मोड़ से लेके और चुलकाना धाम तक इतनी भीड़ तो पिछली बार भी देखने को नहीं मिली। और भीड़ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है। अभी भी मान्यता देखो सबकी है, लेकिन चुलकाना धाम की कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले चुलकाना धाम का इतना क्रेज़ नहीं था, अब आप देख सकते हो भीड़ इतनी हो गई है यहाँ पर, मतलब सारी मंदिर की लाइनें भी ब्लॉक हुई पड़ी है, दरबार में भी इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। तो आज पूरा पानीपत भक्ति में हो गया। फागुन महीने में पानीपत में इस तरह से चुलकाना धाम के लिए हर साल श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा निकाली जाती है, और इस बार भी ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हम कह सकते हैं हजारों की संख्या में भक्त सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे और पैदल ही इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।